फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान एक बहुत चर्चित नॉवल कन्फेशन ऑफ अ ठग पर आधारित है, जिसके लेखक फिलिप मेडास टेलर थे और उन्होंने यह किताब 1839 में प्रकाशित की थी। इस किताब में भारतीय ठगों से जुड़े बहुत सारे रोचक किस्से शामिल थे। आमिर खान और अमिताभ बच्चन की जिस फिल्म का दर्शक महीनों से इंतजार कर रहे थे वो 8 नवंबर को रिलीज हो गई। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आज़ादी के पहले की दौर की कहानी है। यह फिल्म एक बहुत चर्चित नॉवल कन्फेशन ऑफ अ ठग पर आधारित है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ठग शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में एक चालाक, मक्कार और एक बेरहम आदमी की तस्वीरें उभरती हैं जो झांसा देकर कुछ कीमती सामान या जेवरात ठग लेता है। लेकिन भारत में 19वीं सदी में जिन ठगों को अंग्रेजों का पाला पड़ा था वे इतने मामूली लोग नहीं थे। ठगों के बारे में सबसे दिलचस्प और पुख्ता जानकारी 1839 में इस किताब से ही मिलती है। 550 पन्नों की किताब ठगों के एक सरदार आमिर अली खां का कन्फेशन यानी एक बालिया बयान है। फिलिप मिडो टेलर ने आमिर अली से जेल में कई दिनों तक बात की और उनके कुछ शब्द लिखे। टेलर के मुताबिक ठगों के सरदार ने जो कुछ बताया उसमें तकरीबन शब्दश यहाँ पर लिखा गया था। आमिर अली का बयान इतना ब्यौरेवार और दिलचस्प है कि वह एक उपन्यास बन गया और छपते ही उसने धूम मचा दी। रूडयार्ड किपलिंग के मशहूर उपन्यास किम ने 1901 से करीब 60 साल पहले इस छपी इस किताब को एक और खासियत दी कि यह किसी अंग्रेज का नजरिया नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी ठग ऑफ फर्स्ट पर्सन अकाउंट है। टेलर का कहना है कि आमिर अली जैसे सैकड़ों सरगना थे जिनकी देखरेख में ठगी का धंधा चलता रहता था। ठगी का यह आलम था कि अंग्रेजों को इनसे निपटने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ा था। वहीं विभाग के आगे चलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईबी के नाम से भी यह जाना गया। ये ठग अपने रीति रिवाज, विश्वास, मान्यताएं, परंपराएं, उसूल और तौर तरीके के थे जिनका वे बहुत पाबंदी से धर्म की तरह पालन करते थे। उनकी अपनी एक अलग खुफिया भाषा भी थी जिसमें वे आपस में बात करते थे और इस भाषा को रमासी कहा जाता था। ज्यादातर ठग गिरोह माँ काली की पूजा करते थे। इसके अलावा वे हर अगले कदम से पहले शकुन और अपशकुन का विचार करते थे। उल्लू के बोलने, कौवे के उड़ने, मोर के चिल्लाने और लोमड़ी के दिखने जैसी हर चीज का वे अपने हिसाब से मतलब निकालते थे। ठगों का यह भी मानना था कि किसी भी काम पर निकलने से पहले पूर्ण रूप से पवित्र होना बहुत जरूरी है। गिरोह के किसी ठग के घर में कोई जन्म या मृत्यु होने पर 10 दिनों के लिए, पालतू जानवरों की मौत होने पर 3 दिनों के लिए और इसी तरह जन्म होने पर 7 दिनों के लिए पूरा गिरोह रुक जाता था या वह ठग काम पर नहीं जाता था। गहरे रिसर्च के बाद उर्दू और हिंदी में लिखे बहुत चर्चित उपन्यास कई चार चांद थे सरे आसमां में सरू मुशहार रूहान फारूखी ने कस्सी की पूजा का वर्णन कुछ इस तरीके से किया है कि एक साफ सुथरी जगह पर थाली में पानी से कुदाली को धोया दिया जाता था, फिर पूजा की विधि जानने वाला ठग बीच में बैठता था, बाकी ठग नहा धोकर उसके चारों तरफ बैठते थे। कुदाली को पहले गुड़ के शरबत, फिर दही के शरबत और अंत में शराब से नहलाया जाता था, फिर तिल, जौ, रौली, पान और फूल से उस आदि की पूजा की जाती थी। इस तरीके से नारियल फूटने पर सभी ठग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जय देवी माई की बोलते थे और यही था इस कस्सी का महत्व। आमिर अली ने बताया कि ठगों के काम बटे हुए थे। सोटा गिरोह के सदस्य सबसे समझदार, लोगों को बातों में फंसाने वाले लोग थे जो शिकार की ताक में सरायों के आसपास मंडराते रहते थे। वे आने जाने वालों की टोह लेते थे, फिर उनके माल, असबाब और हैसियत का अंदाजा लगाकर उन्हें अपने चंगुल में फंसाया करते थे। आमिर अली के गिरोह का सोटा गोपाल था जो बहुत होशियारी से अपना काम करता था। एक रास्ते में वे कई बार अपना रूप बदलते थे और ये जाहिर सी बात है कि उन्हें कई भाषाएं और भेष बदलना आसानी से आता था और अपने शिकार को जरा सा भी ये भनक नहीं लगने देते थे। कई बार इतना मुश्किल हो जाता था कि असली ठग और नकली ठग कौन है यह भी नहीं लोग जान पाते थे। और इन्हीं ठगों में से एक ठग जिसका नाम सबसे ज्यादा सुना गया और लिखा गया वो है ठग बेहराम। बेहराम को सबसे अधिक हत्याओं और डकैती करने वाला खतरनाक ठग माना जाता था। उसने 125 हत्याएं खुद की और 931 हत्याओं में वो शामिल रहा। अब भी माना जाता है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ठगों का पूरा खात्मा अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि इनका कुनबा कहीं ना कहीं पर मौजूद है।
बल्कि अब ये सभी के सभी अंडरग्राउंड हो चुके हैं ताकि लोग इन्हें जान ना पाएं। अब भी गाहे बगाहे ये लोग सड़कों पर लोगों से ठगी करते हैं या कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे। इनकी पहचान इनके पीले रुमाल से की जा सकती है जो कि एक इनका प्रतीक भी हुआ करता था। तो यारो ये थे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि एक बहुत चर्चित नॉवल से ली गई ये फिल्म कन्फेशन ऑफ ठग से जुड़ी हुई है, उसी से ये फिल्म बनाई गई है और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ चीजों को इसमें मोल मटोल करके भी दिखाया गया है। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन और नए वीडियोस आप जल्दी से जल्दी देख सकें।